नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कानपुर नगर में पहली बार 55,000 युवा मतदाता करेंगे मतदान। चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नगर पालिका प्रशासन सहित सभी नगर पंचायतों में अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम होर्डिंग्स और बैनर हटाने में जुट गई। कानपुर नगर और कानपुर देहात में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। इस बार कानपुर नगर में पहली बार 55,434 युवा मतदान करेंगे। महानगर में कुल 35,56,000 मतदाता हैं, इनमें शहर के 16,52,000 मतदाता हैं। चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव प्रचार प्रसार सामग्रियों पर भी रोक लग गई है। नगर पालिका प्रशासन सहित सभी नगर पंचायतों में अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम होर्डिंग्स और बैनर हटाने में जुट गई। इस बार चुनाव नए मतदाताओं की फौजी बाजी पलटने के लिए निर्णायक साबित होगी। एक नजर मतदान केंद्रों पर। 1,411 मतदान केंद्र, 3,614 मतदेय स्थल, 13 मई मतदान, 4 जून मतगणना। कुल वोटर पुरुष वोटर 19,13,239, महिला वोटर 16,07,592, कुल वोटर 35,76,785। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।